हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, वेलकम टू आवर बायो क्लास। एंड इन प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी हैव टू डिस्कस अबाउट द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स, एंड द एक्सपेरिमेंट इज द हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कह सकते हैं इसे। मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस हमने पढ़ना है। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज द What is hybridization? यानी hybridization क्या है, and इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कहता है कि the process of cross breeding between the two pure parent plants having the two different desired characters to obtain offsprings having more desired characters in compared to their parents, and this process is called hybridization। ठीक है, ये है आपका हाइब्रिडाइजेशन। इसमें दो चीजें यहां पॉइंट ध्यान देने वाली है। इसमें एक है, सबसे पहले है कि प्योर ब्रीड पेरेंट्स है ना, प्योर पेरेंट्स है, प्योर ब्रीड पेरेंट्स है। ठीक है, तो किसे कहेंगे प्योर ब्रीड पेरेंट्स? कहता है कि ऐसे पेरेंट्स जिसमें कि सेवरल जनरेशन तक ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, या जिसमें डिफरेंट एंड डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं, वैसे पेरेंट्स को हम लोग कहते हैं प्योर ब्रीड पेरेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं कि सबसे पहला काम हमारा होता है इसमें कैसे कैसे हम इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। इसको मेंडल ने अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके सामने एक्सप्रेस किया है। पहला होता है, पहला नंबर एक, सेलेक्शन ऑफ प्योर ब्रीड पेरेंट प्लांट, यहां पर सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, सेलेक्शन, सेलेक्शन किसका सेलेक्शन करना है? तो इसमें सेलेक्शन करना है प्योर ब्रीड पेरेंट्स का, प्योर ब्रीड पेरेंट्स, ब्रीड पेरेंट्स। ठीक है, Having two different desired characters, यानी कि उसके पास दो different desired characters होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही parents को करना है कि उसके पास desired characters हो, और वो भी different different, है ना। अब two pure parent desired जो character carrying parent plants थे, उनके पास एक और खासियत होनी चाहिए। इन plants को जब हमने choose किया है hybridization pure breed parents को, तो उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होने चाहिए दैट मस्ट बी क्वाइट लार्ज एंड ईजली टू बी डिटेक्टेड। हमने कल डिस्कस किया था कि उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होने चाहिए वह इतने लार्ज होने चाहिए कि हम उसे आसानी से डिटेक्ट कर सकें। तो हम इसमें ईजिली डिटेक्टेबल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें दूसरा पॉइंट हो जाएगा ईजिली, यहां पर लिख सकते हैं हैविंग ईजिली। ठीक है, इजिली डिटेक्टेबल है ना रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब सोचेंगे कि इसमें इजिली डिटेक्टेबल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्यों होने चाहिए। ठीक है, तो यह इजिली डिटेक्टेबल होता है इसलिए, एसेंशियल है, बिकॉज वी मस्ट हैव टू इंश्योर दैट दीज प्लांट्स कैन नॉट परफॉर्म द सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस, यानी उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए। इस बात को इंश्योर करने के लिए हम लोग ऐसे इजिली डिटेक्टेबल उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को होने चाहिए जिससे जब हम इनको हाइब्रिडाइजेशन के लिए आगे फर्दर प्रोसेस परफॉर्म करें, जब ये ग्रोन अप हो जाएं, जब इन्हें फ्लावर्स आ जाएं, यानी फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट कहलाता है, तो जब इनमें फ्लावर्स आ जाएं, तो हम हर एक फ्लावर में, एक प्लांट के एक फ्लावर में इंश्योर कर लें कि दिस प्लांट ओनली कंटेन वेदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, यानी उस प्लांट में केवल एक ही पार्ट होने चाहिए, या तो मेल पार्ट हो, मेल पार्ट इट मीन्स दैट स्टैमन, और फीमेल पार्ट इट मीन्स दैट पिस्टिल और कार्पेल। ठीक है, उन दोनों में से एक ही पार्ट होना चाहिए, एक प्लांट के किसी भी फ्लावर में, चाहे जितने भी फ्लावर्स आए, केवल एक पार्ट होना चाहिए, तभी हम इंश्योर कर सकते हैं कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। अब आते हैं अगला,
कि द पॉलिनेशन प्रोसेस शुड बी परफॉर्म्ड इन अ वेल मेंटेन्ड एंड हाइजीनिक कंडीशन, यानी कि वहां पर साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए। कंडीशंस कैसे होने चाहिए? हाइजीनिक कंडीशन, ठीक है, हाइजीनिक कंडीशन होने, ठीक है, हाइजीनिक कंडीशन होने चाहिए, साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, ताकि इसमें जब हम इसका पॉलिनेशन प्रोसेस परफॉर्म करवाएं तो उसके साथ कोई भी जर्म्स उसमें ट्रांसफर ना हो और वह जो न्यू जो सीड्स बनने वाले हैं उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो। और सो इसमें हम उसको हाइजीनिक कंडीशन को मेंशन करना एसेंशियल है। चलिए नेक्स्ट, पॉलिनेशन प्रोसेस मस्ट बी टेक्स प्लेस आर्टिफिशियली, है ना, यानी आर्टिफिशियली पॉलिनेशन प्रोसेस होना चाहिए, यानी हम उसके पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कहता है कि हाइजीनिक कंडीशन मेंशन करने के साथ, ठीक है, हम यह भी इंश्योर करें कि दीज फ्लावर्स डजंट केम इन कॉन्टैक्ट विद इंसेक्ट्स, यानी इंसेक्ट्स के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए, वरना वो हमारा डिजायर्ड पॉलिनेशन, हमारे इच्छा के अनुसार पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। अब इन सारी बातों के साथ एक और बात इंश्योर हो जाता है कि जिस प्लांट को हमने चुना है इसके सभी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एट द सेम टाइम बिकम्स मैच्योर, यानी उसके सभी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक समय मैच्योर होने चाहिए, मेल और फीमेल दोनों अगर एक साथ मैच्योर होते हैं तभी पॉलिनेशन परफेक्ट होता है, वरना एक पहले मैच्योर हो जाए, एक पहले पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कर दे और फीमेल पार्ट मैच्योर नहीं हो तो तब भी पॉलिनेशन नहीं होगा, और जब फीमेल पार्ट मैच्योर होगी तब मेल पार्ट के पास पॉलन ग्रेन्स नहीं होंगे, तो इसमें भी पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहा गया था कि इनके दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम टाइम में मैच्योर होंगे और तभी आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ पॉलिनेशन भी पॉसिबल हो सकेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है इसमें हमने दो प्योर पेरेंट्स को चूज किया, इन दोनों प्योर पेरेंट्स को हमने ग्रोन किया, इन दोनों पेरेंट्स के फ्लावर्स जो अपीयर होंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स उसके पास एक ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि पाइसन सैटिवम यानी पी प्लांट जिसे मेंडल ने चुना था वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। आपको पता होगा कि ऐसे फ्लावर्स जिसमें केवल एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं यूनिसेक्सुअल होता है और दोनों होते हैं तो वो बाइसेक्सुअल होता है। तो इसमें चूंकि ये बाइसेक्सुअल है तो हमें उसे यूनिसेक्सुअल आर्टिफिशियली बना देना है, और इस तरह हम इंश्योर कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म होगा। अब एक बात और ध्यान में रखना है कि जब क्रॉस ब्रीडिंग दो प्योर पेरेंट्स के बीच होता है, किसके बीच हो रहा है ना, प्योर प्लांट्स या प्योर पेरेंट्स, हम इसे लिख सकते हैं पेरेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक, इसमें पेरेंट्स लिख सकते हैं, तो दो प्योर पेरेंट्स के बीच में हमने क्रॉस ब्रीडिंग करानी है, ठीक है। तो इन पेरेंट्स का हेल्दी होना एसेंशियल है, ठीक है, और उसके प्योर पेरेंट्स को चूज करना है, और ये जो पाइसन सैटिवम है यही प्योर पेरेंट प्लांट्स हैं जिससे कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म कराया गया। अब इन पेरेंट प्लांट्स के बीच जब क्रॉस ब्रीडिंग होगी और उसके बाद, ठीक है, हमें सीड्स गेन होगा, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन से बेबीज तो आते नहीं, क्या होगा, सीड्स गेन होगा, तो इस सीड्स से जो नए प्लांट्स नया जनरेशन आएगा उस जनरेशन को भी एक खास नाम दिया गया, क्या नाम कहते हैं उसे, इसे हम लोग F1 जनरेशन कहते हैं, यानी क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन पेरेंट प्लांट्स टू प्रोड्यूस F1 जनरेशन, यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन इसे ऑब्टेन होता है। F1 जनरेशन को हम लोग कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और F1 जनरेशन की का डिस्कशन इसलिए क्योंकि रिजल्ट यहां पर नहीं आता, रिजल्ट हमें यहां पर नहीं मिल रहा अभी, अभी हमें आगे फर्दर और भी प्रोसेसेस करने हैं, और इसीलिए उन्हें कई साल लगे, कई महीने नहीं कई साल लगे, कई मतलब यानी लगभग 7 ईयर्स उनको टाइम लगा था अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने में, ठीक है। तो यहां पे F1 जनरेशन गेन होता है। अब इस F1 जनरेशन से एक और बहुत बड़ा हमें फैक्ट मिल जाता है, कहता है कि इस F1 जनरेशन में इन दोनों प्योर पेरेंट्स यानी कि मतलब हम पेरेंट ए और पेरेंट बी अगर मान लेते हैं, यहां पर हम यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर पेरेंट 1 है और यहां पर पेरेंट 2 है,
इन दोनों के क्रॉस ब्रीडिंग से यहां पर है ना Q1, यहां पर Q1, Q2, Q3 एंड Q4, यानी यहां पर चार ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए इन P1 और P2 के क्रॉस ब्रीडिंग से। तो ये जो ऑफस्प्रिंग्स इसमें प्रोड्यूस हुए इसी को हम लोग F1 जनरेशन कहते हैं, और इनमें से मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग्स या यू कहें कि सभी ऑफस्प्रिंग्स के पास जो भी कैरेक्टर अपीयर होगा उसी कैरेक्टर को हम लोग कहेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर कहेंगे? डोमिनेंट। एंड द डोमिनेंट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर, यानी जिस भी पेरेंट का कैरेक्टर डोमिनेंट होगा उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो लेटर मतलब लेंगे, लेटर को हम सपोज करेंगे दैट लेटर मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन कैपिटल लेटर। कौन से लेटर में? कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब उसके बाद इसमें से F1 जनरेशन को के ही दो ऑफस्प्रिंग्स को फिर आगे हम ब्रीडिंग प्रोसेस के लिए मतलब जो है एडॉप्ट करेंगे। F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स को ही एडॉप्ट किया जाएगा फॉर द फर्दर प्रोसेस, अगले ब्रीडिंग प्रोसेस के लिए, और तब इन दोनों के ब्रीडिंग से जो नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे है ना, दीज ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड F2 जनरेशन। यानी F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स के बीच जब ब्रीडिंग होगी, जब उनके बीच में पॉलिनेशन होगा, जब उनसे जो है वो सीड्स गेन होंगे, तो वो कहलाते हैं F2 जनरेशन, यानी सेकेंड फिलियल जनरेशन। और इसी में आपको जब हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे तो आपको दो चीजें पढ़नी होंगी है ना, जीनोटाइपिक कैरेक्टर है ना और फेनोटाइपिक कैरेक्टर, जीनोटाइपिक और फेनोटाइपिक। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि जीनोटाइपिक क्या होता है और फेनोटाइपिक क्या होते हैं, ठीक है। तो दो तरह के हो गए, एक डोमिनेंट कैरेक्टर, कैरेक्टर तो दो होगा ना, कि एक पेरेंट का कैरेक्टर अपीयर हुआ तो उसका कैरेक्टर डोमिनेंट हो गया, तो दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर क्या होगा? तो द कैरेक्टर ऑफ द सेकेंड पेरेंट बिकम्स रिसेसिव। क्या हो जाएगा? रिसेसिव हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक सिंगल कैरेक्टर, एक सिंगल ट्रीट को किसी ऑर्गेनिज्म में अगर अपीयर कराना होता है तो उसके लिए दो जीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी एक पेयर ऑफ जीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन किसी ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर अपीयर होगा दैट इज ओनली फॉर वन, यानी किसी एक का ही होगा, दूसरे का हाइड हो जाएगा। जिसका कैरेक्टर अपीयर हुआ वह जीन डोमिनेंट हो गया, और जिसका हिडन हो गया दैट इज काउंटेड एज रिसेसिव। उसे हम क्या काउंट करेंगे? रिसेसिव काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव हो गया। अब नेक्स्ट जब हम लोग इसका मेंडल के एक्सपेरिमेंट को लेकर और यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे है ना कि जो जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाए, और फेनोटाइपिक कैरेक्टर जो होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मेंडल के उस रेस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।